हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एनएस विजन पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो चलिए आज के इस ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं, पर बिफोर हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अबाउट द मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 4 जो आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रखेगा, जिसका नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग, और ये है लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हमने 4 लेक्चर दे रखा है, उसको जरूर अच्छे से देखिएगा सो दैट आपके क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे और साथ ही साथ आप स्मूथली इस चीज को भी आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो आज का क्या कैरियर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी हम क्या समझने वाले हैं, तो हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे को हम प्यार से क्या कहते हैं, एच बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट मॉलिकुलर ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे और वेस्पर थ्योरी थी वो भी क्या है उसके बारे में जानेंगे। पर इन सबसे पहले हमने कल पिछले वीडियो में क्या समझा था उसको समझ लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात जो की थी वो डायपोल मोमेंट और पोलैरिटी वगैरह के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में देख रखा है, तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है और समझना भी है सो दैट आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग और अच्छी और बेहतर बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कब होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, यानी बॉन्ड क्या होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं हमने देखा है, पर इसमें जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वर्ड क्या अलग है, हाइड्रोजन क्यों वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन से रिलेटेड आपका बॉन्ड है, इस बात को आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो आपके एस या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो वर्ड है ये आपको बहुत सुनाई देगा, तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से रिलेटेड है तभी तो नाम क्या पड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पड़ा है। तो इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, नॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड इन अ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये किसी भी मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन है, दो मॉलिक्यूल यानी डायपोल के बीच का इंटरेक्शन है, ना कि किसी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है, सेम मॉलिक्यूल के ही अंदर एक इंट्रैक्शन पाया जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद। ये बहुत ही क्या है, हल्का, यानी बहुत ही वीक आपका इंट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन। ठीक है, और इनका क्या होगा, बहुत ही क्या होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में ये इंट्रैक्शन हाइड्रोजन के साथ रहता है, और ये क्या होता है, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, और इसकी स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ही कम होती है, कितनी होती है, 4 से लेके 25 किलो जूल पर मोल होती है, वेरी लेस। तो इसका मतलब क्या समझा आपने, कि ये दो मॉलिक्यूल यानी डाइपोल के बीच का इंट्रैक्शन है, डाइपोल के बीच का क्या है, इंट्रैक्शन है, पहली बात तो ये। ठीक है, तो डाइपोल यानी क्या होना चाहिए, पोलैरिटी होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो इनके बीच का जो इंट्रैक्शन है, जो इंट्रैक्शन आपको दिखेगा वही आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बात है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट, ये जो बॉन्ड आपको इंट्रैक्शन दिखेगा वो किसके रेस्पेक्ट में दिखेगा, तीन चीज़ के लिए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, फ़ोन करेगा, यस बहुत सही सुन रहे हो, हाइड्रोजन को क्या करना होगा, फ़ोन से, यानी कि क्या हो गया, फ्लोरिन के बीच में हो सकता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, इसको याद रखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके लिए आसान है और आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो और फाइंड आउट भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, आपके पास दो एग्जांपल है यहाँ पे, एक तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक है आपका ऑर्थो बेंजोइक एसिड। सिंपल से क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं बच्चे वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के हैं, इसको मैं लिख देती हूँ, एक तो होता है आपका इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है इंटरमॉलिकुलर। क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर, दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिकुलर और एक होता है आपका इंट्रा। ठीक है, दोनों का मतलब समझिए, इंट्रा का मतलब होता है सेम, विद इन सेम मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में अगर होता है तो उसको हम वर्ड बोलते हैं इंट्रा। ठीक है, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल यानी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगा तो इसको हम कहेंगे क्या, इंटर। ठीक है,
समझा आपने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रा, दूसरा होता है इंटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख के आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो ये बॉन्डिंग आपको दिख रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, वो किस तरह का है। ठीक है, तो इधर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले पहचानोगे कि कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर तो आएंगे कि वो किस टाइप का है, कि इंटर है कि इंट्रा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है और ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो अभी हमने बताया कि क्या है, इनके बीच का इंट्रैक्शन ही क्या कहलाया है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इंट्रैक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई बॉन्ड नहीं बनता, यहाँ पे एक इंट्रैक्शन है, वीक इंट्रैक्शन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनके बीच में क्या है, इंट्रैक्शन है। ठीक है, तो इसी को आपने क्या कहा है, हाइड्रोजन। पर ये किस में है, एक ही जैसे मॉलिक्यूल में है, तो ये क्या हो गया, इंट्रा। ये भी क्या है, यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दिख रहा है, इंट्रैक्शन दिख रहा है, वो क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दिख रहा है। तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हो गए, ये दोनों ही एग्जाम्पल हो गए आपके इंट्रा के। ठीक है, कि एक ही मॉलिक्यूल के बीच में आपका क्या हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिख रही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं वाटर का ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एच ओ और ये एच, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ऐसे और भी मॉलिक्यूल होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एच है, ओ हो गया, एच हो गया, तो यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे देखो इनके बीच में इंटरेक्शन दिख सकता है आपको। ठीक है, ग्रीन से मैं लाइट कर रही हूँ, ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन से, और यहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जिनका यहाँ पे क्या, और भी हाइड्रोजन हो सकता है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन ओ। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक और ओ हो सकता है। तो आपको क्या दिख रहा है कि इस तरह का इंट्रैक्शन यहाँ पे क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मॉलिक्यूल देखोगे तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल है, और ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आपको जो इंट्रैक्शन दिख रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो उसी को आप क्या कहोगे, इस तरह के बुक को आप क्या कहोगे, इसको कहोगे बच्चों आप इंटर कहोगे। क्या कहोगे, इंटर कहोगे। ठीक है, क्या कहोगे, इंटर कहोगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहोगे। पर अगर सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की इंट्रैक्शन दिखेगी, तो उसको आप क्या वर्ड यूज करोगे, उसके लिए वर्ड यूज करोगे इंट्रा। ठीक है, समझ में आ गया इसको। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अभी तक जो हमने बात की थी वो बॉन्डिंग से रिलेटेड बात की थी, आई होप आप सब कॉपी लेके इसको नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम बात करें, अभी तक हमने क्या है, मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग की बात की थी कि उसके बेसिस पे हम कैसे चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, अब आपको जो समझना है कि ज्योमेट्री की बात अभी तक नहीं की गई, तो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से आपको क्या क्या बात करना है। ज्योमेट्री का मतलब है कि वो आपने जो बॉन्ड बताया कि बॉन्ड बन के ये कंपाउंड बनेगा, ये मॉलिक्यूल बनेगा, उसका स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है अंडर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग शेप होगा। सही बात बोल रहे हो, एटम्स अटैच टू वन अदर इन वेरियस ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, द ओवरऑल मॉलिक्यूलर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द बॉन्ड एंगल। कैसा उनका बॉन्ड एंगल है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोवलेंट बॉन्ड के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसी की तरह आपका क्या है यहाँ पे कि आपका बॉन्ड एंगल क्या है, उसके बेसिस पे आपकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स फिजिकल एंड केमिकल। क्यों पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री ना पढ़े हमें क्या पढ़ेगा, तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि ये हमें क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। दूसरी बात क्या है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के जो टाइप्स हैं या जो थ्योरीज आपको पढ़नी है, आपको समझनी है, वो क्या, तीन मेन थ्योरी है। पहला तो क्या है आपका वेस्पर थ्योरी, दूसरी जो पढ़नी है वो है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और तीसरा जो पढ़ना है आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये तीनों थ्योरी आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तीनों क्या हैं, इनके कुछ लिमिटेशन थे, जो जिसने लीड किया कि वेस्पर के कुछ लिमिटेशन थे तो उसने लीड किया वैलेंस बॉन्ड, और वैलेंस बॉन्ड का कुछ अलग रिप्रेजेंटेशन अगर हम कर सकते हैं, या कुछ इनके लूप होल्स थे उनको हमने पढ़ के क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर। तो ये तीन तीरों की आपको अच्छे से यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करनी है और समझनी है, ये बहुत ही काम की चीज़ है आपके हर तरह के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज वेस्पर थ्योरी से।
ठीक है। तो वेस्पर थ्योरी है क्या और ये थ्योरी क्या कह रहा था हमसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेस्पर, वेस्पर मैम पता नहीं क्या कह रही है, पहले मतलब तो जाने की, जो VESPR इसका मतलब क्या है। तो वी स्टैंड फॉर वैलेंस, फिर शेल एस से, और ई से इलेक्ट्रॉन, पी से पेयर और टी से थ्योरी। तो इसी का आपने क्या निकाला, वी ले लिया, इसका एस, इसका ई और इसका पी और इसका टी। तो इसी से बन गया है आपका वेस्पर और नाम आगे क्या है, थ्योरी। वेस्पर टी लिख देते हैं, पर अगर हम वेस्पर की बात करें तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर की थ्योरी है, इससे रिलेटेड। तो नाम से आप समझिए कि क्या हो, क्या बात आपसे ये थ्योरी कहेगा, ठीक है। बाकी हम पोस्टुलेट इसके जो हैं, जो पॉइंट है उनको तो समझेंगे, पर इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, वैलेंस शेल का मतलब पता होना चाहिए। तो हमने बात की थी कि वैलेंस शेल होता क्या, तो ये समझ में आना चाहिए। तो वैलेंस शेल अगर आपको पता है तो ये आप बहुत आसानी से खेल जाओगे इसको, बहुत आसानी से आप याद कर लोगे और समझ भी जाओगे। तो वैलेंस का मतलब होता है कि बाहर का शेल, बाहर के शेल, बाहर के शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं, और उस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वैलेंस शेल वो शेल होता है जो सबसे बाहर का होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, और उस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी हम समझ लेते हैं, ठीक है। पहली बात क्या कि इस थ्योरी को किसने दिया था, सिडविक ने और पावल ने दिया था, किसमें, 1940 में दिया था, एंड लेटर एक्सटेंडेड बाय नायलोम एंड गिलस्पाई इन 1957। तो इस पे जो मेन क्रेडिट जाता है सिडविक और पावल को जाता है, जो आगे उसको एक्सटेंशन या कुछ इसमें प्लस किया गया था, और किसके द्वारा, नायलोम और गिलस्पाई के द्वारा, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया था, सबसे पहला अटेम्प्ट था ज्योमेट्री बताने के लिए। तो द ज्योमेट्री एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन the number of valence shell electron pairs, whether bonding or non-bonding present in its central atom. ये क्या कह रहा है, ये समझो, ये कह रहा है कि जो valence shell में electron दो type से हो सकते हैं, एक तो वो valence shell के electron होंगे जो bonding में participate कर रहे हैं, यानी bond बना रहे, कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते पर वैलेंस शेल यानी बाहर के शेल में होते हैं, उनको क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग, और इसी को हम एक टर्म यूज़ करते हैं, लोन पेयर। क्या टर्म यूज़ करते हैं, लोन पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये भी आपको समझना है। लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर आपके वो इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाहर की शेल में तो होते हैं पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, यानी बॉन्ड फॉर्मिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पर जरूरत पड़ेगा तो ये भी छलांग लगा ही लेंगे, ठीक है। तो लोन पेयर वो हैं जो नॉन बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग नहीं बना रहे। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल वन अनदर एंड ट्राई टू स्टे इन अ स्पेस एज फार एज पॉसिबल टू एक्वायर स्टेबिलिटी। सब खेल किसका है बच्चा, यहाँ पे स्टेबिलिटी का खेल है। अगर तुम स्टेबल नहीं हो तो तुम खुश नहीं हो। अगर स्टेबल हो कि हाँ मुझे मेरे पास जो चीज़ है मैं उसी में उसी से अच्छे से यूज़ करूँगा, काम करूँगा, तो वो आपको और ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। तो मेन जो काम है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसको क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो उसका आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है, कम रिपल्सिव होना चाहिए। द रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर ऑफ द डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है। तो मैंने ये क्या कहा कि वो वैलेंस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कोशिश करेंगे कि उनमें रिपल्शन क्या हो, कम होगा। जितना कम रिपल्शन होगा, वो आपस में रिपेल कम करेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो स्टेबल होगा। अगर दोनों पास होंगे इलेक्ट्रॉन तो उसमें क्या हो, लड़ाई होगी कि, यानी उनमें रिपल्शन होगा, तो वो रिपल्शन को मिनिमाइज करना चाहेंगे ताकि स्टेबिलिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम। ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ध्यान में रखने वाली बात यही है कि लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, क्योंकि दोनों अपने आप में ठने रहते हैं कि हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन है। तो अगर किसी स्पीशीज में लोन पेयर आपको दिख गया तो उसमें जो रिपल्शन होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा विथ रेस्पेक्ट टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसमें थोड़ा कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लोन पेयर और लोन पेयर LP में सबसे ज़्यादा, और LP और बॉन्ड पेयर में उससे कम, और सबसे कम किस में होगा, बॉन्ड पेयर में कम रिपल्शन होगा, ठीक है। तो लोन पेयर वाले में अगर रिपल्शन होगा तो उसने ज्योमेट्री चेंज कर देगा, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस शेल में होना चाहिए, अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दो पेयर ऑफ, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स
अरेंजमेंट क्या हो सकता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री क्या है और इसका एंगल क्या है, ये आपको समझना है। और यहाँ पे आपका अरेंजमेंट भी बना हुआ है कि कैसे होता है। ये सिंपल सबसे 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का दिया था, ठीक है, ये भी बात याद रखना, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही दिया गया था, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तक के लिए ही बात की गई थी, ठीक है, इस वाले में 6 इलेक्ट्रॉन तक की ही बात की गई थी। अगर हमारे पास 2 है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अभी एग्जांपल आपको नेक्स्ट स्लाइड में देखेगा। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है ए बी और ऐसे बी बी टाइप का, ठीक है, कुछ ऐसा आप समझ सकते हो। तो इस तरह का अगर आपके पास चीज़ है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उसमें जो शेप पॉसिबल है वो क्या है, लीनियर। लीनियर शेप है, यानी एंगल क्या हो जाएगा 180 और शेप क्या हो जाएगी, लीनियर, ठीक है। अगर 3 है तो पॉसिबल अरेंजमेंट जो हो सकता है उसका क्या होगा, जो आपका ज्योमेट्री होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल प्लेनर, और सबके बीच का एंगल क्या होगा, 120 का एंगल होगा, ठीक है। अगर 4 होगा तो शेप क्या हो जाएगी आपकी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, और एंगल जो इनके बीच में होगा वो क्या हो जाएगा, 109.5 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो 5 हैं, तो यहाँ पे पॉसिबल जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्रायंगल बाईपिरामिडल, और एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 और 120। और अगर 6 होगा तो इसमें क्या है, जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी और एंगल जो होगा वो 90 और 180 होगा, ठीक है। ये आपका एक सिंपल था सा, जब यहाँ पे हमने बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग का कुछ नहीं लगाया, सिंपल हमने देखा इलेक्ट्रॉन सिस्टम 2 है तो लीनियर, 3 है तो ट्रायंगल प्लेनर होगा, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 होगा तो ट्रायंगल बाईपिरामिडल, 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ये सिंपल क्राइटेरिया है, ठीक है। पर अगर बात करते हैं, इसी को थोड़ा एलाबोरेट करके हम समझते हैं कि क्या है ये चीज़, ठीक है। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसी को स्प्लिट कर दिया, क्या कर दिया, स्प्लिट। अगर बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर कुछ नहीं है, ये एक पॉसिबल है, तो वो क्या हो जाएगा, ए बी 2 पॉसिबल होगा, तो शेप क्या हो जाएगा, लीनर। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ए होगा और आपका B2 है, तो चलो B इधर हो गया और B इधर हो गया, ये शेप कैसा हो गया, लीनियर, यानी 180 डिग्री का एंगल होगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी जो है आपका क्या है, 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड चार्ज जो अभी हमने बात की था, 3। तो आपने देखा था सिंपल, अगर इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा तो सिंपल जो आपकी ज्योमेट्री है वो तो सिंपल है, जो अभी हमने देखा था क्या है, वो ट्रायंगल प्लेनर है। ट्रायंगल प्लेनर का मतलब क्या है, ऐसा आपको प्लेनर स्ट्रक्चर दिखेगा, और यहाँ पे आपका होगा कोई भी, अगर ए है तो यहाँ पे ए हो जाएगा और यहाँ पे बी बी और ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या सिंपल स्ट्रक्चर है, जब आपका 3 आपका नंबर ऑफ बॉन्ड्स होगा और 0 लोन पेयर। व्हाट इफ दूसरी पॉसिबिलिटी है, ये भी तो हो सकता है कि 2 तो बॉन्ड बना ले और एक इसके पास क्या हो, लोन पेयर हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबिलिटी होगी तो स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा, वो आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, बी। जो अभी ट्रायंगल प्लेनर होना चाहिए वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो जिसकी वजह से वो शेप जो होगा वो थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये आपको दोनों चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम समझते हैं कि अगर हमारे पास केस है 4 का, ठीक है, तो 4 में क्या हो सकता है कि 4 आपके बॉन्ड पेयर्स हो और एक भी आपका क्या हो, लोन पेयर ना हो, तो उस केस में शेप सिमिलर बनेगा, वो होगा आपका टेट्राहेड्रल। यानी कि अगर कोई भी एलिमेंट है, ए है, तो टेट्राहेड्रल आपका कैसा बनता है, ऐसा, ये आपका क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप बनेगा। बट व्हाट इफ अगर इसमें क्या है, एक लोन पेयर की पॉसिबिलिटी है, अगर एक लोन पेयर होगा तो ये जो शेप बनाएगा वो आपका कैसा बनेगा, वो आपका बनेगा क्या बनेगा, देखो ऐसा कुछ बनेगा, और ये कैसा है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर बाय ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर बेस, और ये अगर आप इसको एक्सटेंड थोड़ा करोगे तो ये पिरामिड की तरह आपको दिखेगा, या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखो, इसको ऐसा देखोगे तो ये क्या है आपका, पिरामिड के जैसा दिखेगा। तो ये क्या है, शेप जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ट्रायंगुलर पिरामिडल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि अगर आपके 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 क्या हो, लोन पेयर हो, तो 2 लोन पेयर होगा, रिपल्शन क्या होगा, सबसे मैक्सिमम, तो शेप और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। और आपका ये केस जो एग्जाम्पल आपको दिखता है, ये किसमें दिखता है, वाटर में दिखता है, ठीक है। और एंगल भी उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्शन की वजह से
ये देखो ये आपका ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन, तो ये आपका वी शेप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है उसमें आपस में रिपल्शन होगा और ये अपने आप को क्या करेगा, स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो फॉलोइंग एग्जांपल भी आपके साथ में बगल में लिखे हैं। नेक्स्ट अगर AB5 की बात करते हैं तो इसमें पॉसिबल क्या है कि 5 के 5 बॉन्ड हो जाएँ, 0 वो हो जाएगा। अगर 4 बॉन्ड है तो 1 लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, 4 बॉन्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आपका लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे 1 लोन पेयर, अगर 3 बॉन्ड है तो इसमें 2 ये हो सकता है, और 2 बॉन्ड तो मिनिमम चाहिए हमें। ठीक है, 1 कर दोगे तो फिर वो एंगल आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो अगर आपका 0 लोन पेयर है तो शेप जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, ट्राइगोनल और ये बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बेस बना, ट्राइगोनल बेस बना और ऊपर नीचे, तो पिरामिडल क्या नाम लग गया, बाई वर्ड लग गया, बाई पिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है तो जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो कुछ सी सॉ का तेरा बनेगा। सी सॉ का मतलब वही जो आप पार्क में आपने देखा होगा ना, कभी खेलते हुए आप गए होगे पार्क में, तो उसकी तरह बनेगा, यानी बी इधर और बी इधर, और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा टाइप दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सीसॉ हो गया, जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे 2 लोन पेयर होगा तो जो शेप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो टी शेप हो जाएगा। क्या शेप हो जाएगा बच्चे, टी शेप आ जाएगा, यानी आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया है, टी शेप कर दिया। दूसरा, अगर यहाँ पे लोन पेयर आपका 3 हो जाएगा और बॉन्ड पेयर अगर 2 हो जाएगा, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, वो ये है कि वो शेप क्या हो जाएगा, लीनियर शेप यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू रिलेट इट एंड अंडरस्टैंड इट, और साथ ही साथ इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए हेल्पफुल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या पॉसिबल है कि उसके पास क्या हो, 0 इलेक्ट्रॉन, यानी 0 उसके पास लोन पेयर हो, दूसरा क्या है, 1 लोन पेयर हो, और 1 क्या हो सकता है, 2 लोन पेयर। तो उस हिसाब से ज्योमेट्री आपकी चेंज होगी। सिंपल अगर होता तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपकी जो बनती वो इस तरीके से बनती, ए बी, ठीक है, और यहाँ पे बी लग गया, और ये आपका जो शेप है ये ऑक्टाहेड्रल है। जब आप इसको सबको जोड़ोगे तो आपको ये ऑक्टाहेड्रल शेप आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो शेप होता है इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। पर अगर यहाँ पे 1 लोन पेयर है, ठीक है, 1 लोन पेयर होगा तो ये शेप चेंज होकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 2 लोन पेयर हो गया तो ये क्या बन जाएगा, आपका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा बस आपका ये स्ट्रक्चर जो रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस टाइप में रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर ये हो गया और लोन पेयर यहाँ पे हो गया। तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, जब आपके पास अगर आपका जो नंबर ऑफ बॉन्ड है अगर 6 है तो सिंपल स्ट्रक्चर ये बनेगा, पर जब आप यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा तो शेप आपका जो ज्योमेट्री है वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। इस बात को आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो अभी हमने सीखा है उसी के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम बात करते हैं मीथेन का, तो मीथेन में क्या है बच्चों, मीथेन में अगर आप देख रहे हो तो इसमें जो सिस्टम है इसमें क्या है कि कार्बन 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ये, और इसमें कितने बॉन्ड पेयर्स हैं आपके, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो शेप या ज्योमेट्री आप जैसे कह रहे हो, ज्योमेट्री जो बनेगी वो बच्चे क्या बनेगी, वो बनेगी यहाँ पे टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल आपकी ज्योमेट्री होगी, और एंगल जो बनता है वो कितना है, 109.5। ठीक है, क्या बनेगा, 109.5 बनेगा। पर अगर हम बात करते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल का, तो ये भी कैसा है, ये भी 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखो 3 तो आपके क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए, यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है, प्लस 1 जो है आपका वो क्या है, लोन पेयर है। तो इस वजह से जो इसका शेप है बच्चे वो क्या हो जाएगा, चेंज होएगा, और क्या बन जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, क्या बन जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, और उसके साथ साथ जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, वो 107.3 डिग्री के आसपास आपका ये रहता है। ठीक है, 107 भी लिख सकते हो, 107.3 डिग्री भी आप लिख दोगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं वाटर का। ठीक है,
ये सब आपसे क्या है, रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों इसका ये भी तो आपका क्या है, इसमें 109 डिग्री इसमें क्यों ऐसा है, तो आपको वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए वंस यू नो दी थ्योरी। ठीक है, तो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो ये भी कैसा है, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो आपका क्या है बॉन्ड पेयर है दिख रहा है, प्लस यहाँ पर 2 क्या है आपके लोन पेयर। ठीक है, ठीक है, 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पे आप 2+2 करोगे तो 4 हो गया। तो इसका शेप जो है ये कैसा होगा, बेंट, और इसका एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 104.5 डिग्री। तो एंगल में भी आपको डिफरेंस दिखेगा क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होंगे, मैक्सिमम रिपल्शन होगा, तो एंगल उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे कैची चलेगी ना, तो ऐसे जितना दूर रहेंगे उतना खुश होंगे, और जितना पास आएंगे तो फिर वो भी और दिक्कत हो जाएगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 104.5 डिग्री आपको यहाँ पर देखेगा अगर आप बात करते हो। ये सेम एग्जांपल जो है, ये सारी चीज़ क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 बॉन्डिंग पेयर के टर्म्स में आपसे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपने क्या समझा यहाँ पे, आपने समझा कि वैलेंस जो वेस्पर थ्योरी था वो वैलेंस बॉन्ड यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे बेस्ड था, और उस पर आपके दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन, एक तो वो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, और एक वो जो नॉन बॉन्डिंग में यानी लोन पेयर है, तो उससे आपकी ज्योमेट्री जो हो जाती है वो हो जाती है चेंज। तो आज के लिए बस इतना, आई होप आपने सारी चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट करोगे। पर अगर आपके पास कोई क्वेरीज है, आपको डाउट है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने क्वेरीज को हल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है रिगार्डिंग विजन पॉइंट NIS, तो वो आप इस फॉलोइंग वेबसाइट पे जाके अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो और गैदर कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड टेक केयर एंड बाय बाय।